वालेकुम। आज हमारा है दूसरा दिन, डे टू इन शामन। चलिए चलते आइए, अभी हम आएंगे। कोलाई आइलैंड है, इसकी एक हिस्ट्री है, बड़ी खूबसूरत जगह है। और उधर जाएंगे आज क्रूज़ पर, और क्रूज़ पर बैठ कर जाएंगे, अभी जाकर टिकट लेते हैं क्रूज़ की। उधर हम जाएंगे वो लांजोलामिया, हमने रात में जो डिस्कवर किया था, हलाल फूड जो है। अगर आप जो भी शामन आते हैं, आपको हलाल फूड मिलना चाहिए, तो जो है ना फेरी है, शामन फेरी, उसके सामने एक छोटी सी कमान बनी हुई है। कमान के राइट साइड में आपको मिलेगा लांजोलामिया, तो आप खा सकते हैं हलाल फूड, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो भी मुस्लिम भाई लोग बहन लोग देख रहे हैं वीडियो हमारा, तो वो यहाँ आके खाना भी खा सकते हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हर जगह हलाल खाना मिलना मुश्किल है। क्या भाई, तो ये सामने है फेरी टर्मिनल, मैं आपको बताता हूँ। ये सबवे है, सबवे के साथ ही गली। ये सामने है फेरी टर्मिनल, और इसके बगल में है ये सबवे। ये देखिए, ये है सबवे, और सबवे के बाजू में जो राइट साइड में है, आपको दिखेगी कमान पुरानी, एक कुछ लिखा हुआ है, रन कुछ है या कुछ। ये कमान है, और ये कमान के पास आप, ये छोटी स्ट्रीट है, पूरी फूड स्ट्रीट, और ये राइट साइड में तीसरी दुकान है हलाल की, तो आप यहाँ आके खा सकते हैं। ये वाली है तीसरी दुकान, तो आप यहाँ आइए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये सुबह 8 बजे खुल जाती है, रात में 11-12 बजे तक रहती है। चलिए अंदर चलते हैं। जी, ये जो चाइनीज मुस्लिम हैं, ये लोग बड़े स्ट्रिक्ट हैं ये खाने पीने के मामले में, तो हम लोग जो है अपना जो है इधर से हलाल फूड हमने कवर किया इधर, फिर आकर, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम है खाने की यहाँ पर, लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर मिल जाते हैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट, तो इनके पास मुख्तलिफ चाइनीज़ डिशेज़ हैं, और थोड़ा मिलता जुलता टेस्ट है हमारा, और ये आप इधर से खा सकते हैं। बहुत कोई भी चीज़ बेफिक्र होके, इधर टोटल हलाल है, कोई चीज़ आपको पसंद आती है, तस्वीर लगाई हुई है टूरिस्ट के लिए, इंग्लिश में और चाइनीज़ में सब लिखा हुआ है। और ये इनका जो मटन सूप होता है, ये मटन सूप बहुत टेस्टी होता है, ये ज़रूर पिए हमेशा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ओके, थैंक यू। एक्चुअली बहुत ही मज़ेदार खाना है, लजीज खाना, ये पूरी फूड स्ट्रीट है, यहाँ से लेके वहाँ तक आपको पूरे खाने खाने मिलेंगे, सिर्फ एक, ये एक ही जगह पे हलाल है, सिर्फ एक ही जगह। एड्रेस सिंपल है, मेरी के सामने, गेट के सामने। अभी हम जाएंगे आगे, अभी हमने टैक्सी ले ली है, टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, टैक्सी में टर्मिनल करीब में है। तो बहुत ही करीब में है, यहाँ से हम जाएंगे, फिर वो फेरी पकड़ के आइलैंड पे जाएंगे। आइलैंड पे कुछ देखने वाली चीज़ें हैं। ये साउथ गेट है, यहाँ से आप इंटरनेशनल क्रूज शामन और ताइवान को फेरी जाती है। आपको ताइवान जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं, आप फेरी ले लेके जा सकते हैं। Thank you.
भाई टिकट ले रहे हैं, मैं पीछे हूँ, पासपोर्ट देने पड़ते हैं यहाँ पे। वेरी गुड, 24 आवर्स है आपका बीपी बैक आ सकता है। सिर्फ आपने आइलैंड में जाना है, आगे का जो है वो अगर आपने तो हमारी टिकट आ गई है ग्वानलांग फेरी, हम आइलैंड पे जाने वाले हैं। अब फिलहाल आप वहाँ पे क्रॉस करके फिर पासपोर्ट अंदर रखेंगे, वो चेक करेंगे और आपको यहाँ पे पासपोर्ट बताना पड़ेगा और टिकट आपकी फेरी की, फिर आप अंदर जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, अच्छा है और यहाँ पे खाने के लिए मैकडोनल्ड्स भी है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। कभी आप ब्रेकफास्ट करके नहीं आए तो आप वो भी जा सकते हैं, नो इश्यूज़। मैंने कहा सबसे कीमती चीज़ आपके पास यहाँ पर आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट से आप पहचाने जाते हैं, अगर पासपोर्ट नहीं है तो फिर आप जो है बाहर से आए हैं सर। ये स्टारबक्स भी है, अगर आपको कॉफ़ी पीना है तो कॉफ़ी भी पी सकते हैं। कॉफ़ी भी ले लेंगे, टाइम है ना अपने को बहुत टाइम, हम अभी क्या टाइम हो रहा है, ये 18 मिनट हुए, 50 मिनट पर है, 50 मिनट बहुत होते हैं। हम लोग स्टारबक्स की कॉफ़ी पियेंगे, लट्टे पी लेंगे, काफ़ी लट्टे पियेंगे। शिफन है मेरे पास, एक मिनट। हमें अभी 15-20 मिनट बाकी हैं, 20 मिनट तो हम लोग अभी कॉफ़ी पियेंगे, कॉफ़ी पी के हम लोग जो है फेरी में जाएंगे, साथ लेके जाएंगे, साथ कॉफ़ी भी लेके जाएंगे। पब्लिक ज़्यादा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको ऊपर डेक में जाने के लिए, चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं जो भी जगह मिलती है, ट्राई टू गो अप। दरिया के उस तरफ जा रहे हो, मछली पकड़ने, इसमें जाल है, अस्सी भी वहीं जा रहे हैं दरिया के उस तरफ, मछली उछली पकड़ लेंगे। Thank you.
मेरी डेक पे लगने वाली है और हम जाएंगे गुलाज भी और देखेंगे क्या हुआ। हर कोई एक्साइटेड है यहाँ पे गुलाज व्यू देखने के लिए, हम भी पहली बार आए हैं देखने के लिए। ये हमने फेरी छोड़ दी है और हम अभी जा रहे हैं ये गोलान व्यू में। ओह ये मौसम बहुत अच्छा है। गुलांग व्यू क्या गुलांग नई कोई आओ फेरी टर्मिनल, ये है गोलान व्यू का आप देख सकते हैं। तो बाकी का पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। ये खाने पीने के लिए आपको होटल भी है यहाँ पे, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाना भी खा सकते हैं। होटल गार्ड ने होटल्स के ले लेंगे, ये भी होटल है ये वाला भी। हाँ तो फैमिली को लेके सीधा इधर बुकिंग वहाँ से उतरे ट्रेन पर और शिप लेकर तो। और ये साइड में हमारे समंदर है और और आपको यहाँ पे साइन बोर्ड जगह जगह पे है, आपको कहीं पे भी जाना है तो आप देख के पढ़ के जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे, साफ़ सफाई बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बहुत ही खूबसूरत है। छोटा सा बीच है ये गोलान व्यू में और पीछे है वो कार्गो टर्मिनल, आपको जितने भी सामान आता जाता है यहाँ पे शामन में, तो एक पोर्ट है वो लोडिंग अनलोडिंग का, कंटेनर का पोर्ट है। आइए आगे चलते हैं। लॉक अंदर के सी पी एम पी हैं रात को, ये कौन है ये छोटा पच्चीस का है। हम अभी खा रहे हैं ड्यूरियन फ्रूट, ये 5 युआन का एक है तो इसको हम खाएंगे। ये भाई ये ऊपर से कुछ वो है ना क्या, वो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं पूरा प्योर वही है, इसके अंदर भरा होता है ना, भरा हुआ है मेन बाव टाइप का। अभी हम खाएंगे ये, हाँ मैदा है अंदर, ये मैदा है, इसके साथ में हम ये ड्यूरियन खाएंगे। और अरे भाई कहाँ हैं अभी तक तो नहीं आया, क्रीम माली मैं हूँ लीमन अंदर थोड़ा है क्रीम है खाली क्रीम भरवा। ये ऊपर का एसेंस है नहीं, अंदर भी नहीं है, है? थोड़ा सा दरमियान नहीं है, नहीं है अच्छा है, खा सकते हैं। बैटरी फिर भी बैटरी आधी हो गई है। अब हॉरिजॉन्टल में बनाओ, जामुन भी अवेलेबल है यहाँ पे। सुमै सुमै दो अच्छे हैं, ये चीज 45, लाइक 10-20 तो कहिए सुखा सुखा मैं 10 रुपए चांग चांग 10 का नहीं 5 का लेंगे, 5-10 5 का तो आएगा।
बीचा बहुत ही अच्छा है। कैलिफोर्निया में बीचेस बहुत अच्छे हैं। मिल साहब फोटो नहीं आया, आप जल्दी भेजिए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मैं देख रहा हूं और मैं आपको बताने जाऊंगा अभी। देखिए मेरे आंखों के सामने बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ये देखिए आपको मैं बताता हूं। बहुत ही खूबसूरत है, ऊपर चढ़ने का है जगह और ऊपर भी जा सकते हैं हम। ये देखिए समंदर के पास बहुत ही खूबसूरत हवा बहुत ही अच्छी आ रही है और बीच बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पर तैरना मना है, आप तैर नहीं सकते। ऊपर जाने के लिए भी टिकट ही होगा, देखते हैं। और हम लकी हैं एक्चुअली, मौसम आज अच्छा है और सनी डे है तो हम यहाँ पे आए हैं। अगर आप ठंड में या बारिश के दिनों में इधर आने के लिए बहुत ही मुश्किल है, यू कैन नॉट शूट एनीथिंग या वही है, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा दरख्त है। देखिए ट्री, ब्यूटीफुल ट्री, कुदरत ने हमें अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं और हम लोग संभाल के रखते नहीं हैं। बहुत ही अच्छी पहाड़ी सामने, फ्रेश एयर आपको मिलेगी यहाँ पे, यहाँ पे ज़ीरो पोल्यूशन है, यहाँ पे व्हीकल्स आर नॉट अलाउड ओवर हियर। और यहाँ पे मैप भी है और हम देखेंगे हम कहाँ पे हैं अभी। जगह जगह पे यहाँ पे टॉयलेट भी बने हुए हैं, आप जा सकते हैं। आपका नाम है लू चुआंग चांग और एन आउटस्टैंडिंग लिंग्विस्टिक है ये, वॉज बॉर्न इन टोंग एंड शिनशियामिन इन 1854। बाकी का मैं फ़ोटो लूँगा, पढ़ लेना भाई। ये है फ़ोटो इनकी, ये है यहाँ पे। और भाई कहाँ पे जा रहे हैं आप? अभी ऊपर जाके पता लगेगा कहाँ जा रहे हैं। देखो सारा टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पर देखते हैं ऊपर क्या है। काफ़ी ऊंचा है, आपको रुक रुक के जाना पड़ेगा। ऊपर चढ़ के आने के बाद अभी हम दूसरे जगह पे उतर रहे हैं, काफ़ी चढ़ के आए हैं। और ये देखिए खिलौने विलौने लकड़ी के बने हुए हैं, बुरा बुरा ठीक है समय से। छोटा है 15 का, ये है टिकट दो, शहदूत है 10 युआन का है, एक पीस मैं तो पूरा। अरे मैं तो एक बकेट शहदूत है, आएंगे तो जबरदस्त हो जाएगा। ये हमने ले लिए हैं शीशे, अब हम शहदूत खाएंगे, जाएंगे कुछ ना कुछ खाते रहिए। आप चलते रहें तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, तो आप गिरेंगे नहीं चक्कर आके। और यहाँ पे कुछ गार्डन उडन है, आई थिंक आई डोंट नो, यहाँ पे लिखा है हम है क्वान मानसून। अच्छा हम रेजिडेंसी ऑफ लंडन मिशनरी सोसाइटी, एक्सक्यूज मी प्लीज। ये है आप
पढ़ लीजिए बाद में फोटो ले लेता हूँ इसमें से। ये घर जो बने हुए हैं ये ओरिजिनल घर हैं, पब्लिक यहाँ पे रहती है ये आइलैंड के ऊपर। और छोटा सा स्ट्रीट है, जैसा कि छोटे छोटे स्ट्रीट है, मिनी मिनीचर स्ट्रीट्स जो मकाऊ में हैं। और यहाँ पे घर है, ऑफिसेस हैं छोटे मोटे और होटल्स भी हैं। ये ओरिजिनल है और ये लू का ये रोड का नाम है चोंगचू लू। यहाँ पे काफ़ी सारे विजिटर्स हैं, बाकी के लोग तो घरों में होंगे आराम से और कुछ काम पे भी जाते होंगे। खूबसूरत से खूबसूरत घर बने हुए हैं, देखिए ये इंडर गार्डन स्कूल स्कूल लगता है, इधर पार्क है, यही पार्क है इधर, माय मेमोरियल है। और यहाँ पे आप पार्क और हैं जो भी हैं, खूबसूरत घर बने हुए हैं। पब्लिक रहती भी है यहाँ पे, पुराने घर बने हुए ब्रिटिश के टाइम के 18 सेंचुरी के घर हैं यहाँ पे। काफ़ी लोगों ने घरों को होटल्स में रेस्टोरेंट्स में तब्दील किया है। ये भी बहुत ही पुराना घर है या रेस्टोरेंट है, आई थिंक रेस्टोरेंट खोल दिया है किसी ने यहाँ पे। ये लड़की जो है सैंपल्स लेके ठहरी है, पिज़्ज़ा वज़ा खाना है तो अंदर रेस्टोरेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये है योंगचोंगलू, यहाँ पे देखिए अब हम हैं योंगचोंगलू, हाइटेंडू लेफ्ट में है, क्वानचोलू राइट में है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये है द हिस्टोरिकल बिल्डिंग 69 योंगचोंगलू, बिल्ट इन 1920 में बना है, शामन म्यूनसिपालिटी गवर्नमेंट ने इसको ये लगाया है। और यहाँ पे बैटरी वाली गाड़ियाँ हैं, आप आना जाना है तो बैटरी वाली गाड़ी में आ सकते हैं जा सकते हैं। और जगह जगह पे छोटे छोटे फ्रूट्स के दुकानें भी हैं यहाँ पे, आपको कुछ खाना पीना हो तो खा सकते हैं। और यहाँ पे है छन्यून ताइची योगा ट्रेनिंग सेंटर, आपको योगा होगा सीखना है तो यहाँ पे सीख भी सकते हैं। यहाँ पे अंदर है लेकिन हम अभी जाएंगे नहीं, हम जाएंगे दूसरे डायरेक्शन में। अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, ये झाड़ को इन्होंने काटा नहीं है और देखिए कितना उसको संभाल के रखा है, ये पुराना झाड़ है। हाँ पानी ले लेंगे, हाँ ले लेंगे, ये झाड़ की शाख को कितना बचा के रखा है इन्होंने, वंडरफुल जॉब, बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत। पहले ज़माने में देखिए चाय ऐसा करते थे, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके रखा है। और ये कपड़े भी है इनके, ये घास फूस के कपड़े पहन के ये लोग, ये तवा हुआ है, इनकी पुरानी मशीनरी है, प्रोसेसिंग ऐसा होता था। और यहाँ पे पूरा है स्पेशल, आप देखिए इसको पॉज करके बाद में। और ये छन्नी बनी हुई है, आई थिंक यहाँ पे पत्ती का ज़्यादा काम होता था पहले। और ये जगह श्यामन जो है चाय की पत्ती के लिए फेमस है, यहाँ पे पत्ती है, ये देखिए पूरी पत्ती ही पत्ती है। और यहाँ से आप खरीद के ले भी जा सकते हैं कहीं जाना है तो। और बॉल्स देखिए छोटे छोटे, यहाँ पे पहले ऐसे बॉल्स रहते थे, ये बॉल्स हैं। और ये बुद्धा का ये आपके पहनने के लिए हाथ में पहनते हैं ये बुद्धिस्ट लोग जो भी हैं। अच्छा ये बुद्धा के स्कल्पचर रखे हुए हैं काफ़ी सारे यहाँ पे, आप शायद खरीद भी सकते हैं इसको यहाँ से। राना मैंने भैया देखिए ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए बुद्धा का फोटो भी है यहाँ बच्चे का।
घूमते फिरते रहते हैं, हमें हम बनाते रहते हैं वीडियो। खूबसूरत से यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स हैं चाय के, बहुत ही महंगे, ये 380 युआन का एक है या सेट है, वह बहुत ही महंगा है। शौकीन जो होते हैं, जिसको चाय पीने का शौक़ होता है, वो यहाँ से लेते हैं, खरीदते हैं। और ये स्पेशल मिट्टी के बने हुए होते हैं। ये भी पुतला है 7800 युआन, मीन्स हो गया 80,000 रुपये का। ये कोई स्पेशल मिट्टी का बना हुआ है, ये गॉड है, ये चाइनीज़ राइट, ये डबल हेड गॉड है। ये आपको पता, डबल हेड फिश भी बहुत यूज़ करते हैं, ये गॉड फॉर लाइफ है। अच्छा, गॉड ऑफ लाइफ, लाइफ गॉड ऑफ लाइफ। इसके दो हेड है ये देखो। अच्छा, इसके ये दो हेड है, दो हेड है, ये गॉड ऑफ लाइफ है ये। आपके काफ़ी जगह में इसमें चाइनीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के गॉड है, ओके, जो मतलब प्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट मेंशन करते हैं, ये गॉड ऑफ लाइफ। ओके, ठीक है, गॉड ऑफ लाइफ। हम चलते हैं आगे, गॉड ऑफ लाइफ यहीं पे बैठेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्पेशल है, ये कमरे में आइए, यहाँ पे चाय का, चाय वो आपको पूरा सर्व करेंगे। ओके, अगर आपने मतलब चाय को एंजॉय खरीदना है तो खरीदना है, या पैसे वो आप पी भी सकते हैं, पैसे दे के, पैसे दे के पी भी सकते हैं। यहाँ आपको जैसे सर्व करेंगे, ये सर्व करने के लिए ये लोग पी रहे हैं। हाँ, ये लड़की बात करती हैं, इनको चाय के बारे में पूरा सुनेंगे। ये गॉड ऑफ पावर है, मनी, ये गॉड ऑफ मनी है। चाइना, चाइनीज लोग जितने भी हैं, ये गॉड ऑफ मनी, ये सबके पास गॉडेस का मंदिर बने हुए, मंदिर मंदिर बने हुए, जो के लोग ज़्यादा वो करते हैं। और ये टेबल देखिए, लकड़ी का बहुत ही खूबसूरत टेबल है, होती है ये जो ये ओरिजिनल की रूट होती है, रूट को कन्वर्ट, ये रूट को ड्राई करके और उसको पॉलिशिंग करके, रख पॉलिश करके, बहुत ही खूबसूरत। और ये एक एक का कितने कितने हज़ार का एक एक है। ये देखिए टेबल, बहुत ही एक्सपेंसिव टेबल है ये। ये देखिए, ये वुड जो है, ये एक्चुअल ये रूट है, ये यहाँ से देख के पता लगता है, ये रूट को ड्राई करके, पुराने इसको ड्राई करके, ये 200 साल कहीं नहीं जाएगी, इसको कोई कीड़ा नहीं लगेगा, खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगी ये, इसको ये जलती भी नहीं है, इसको आग भी नहीं लगती है। तो कितनी ज़बरदस्त कार्विंग की है इन्होंने और बेहतरीन टेबल बनाए हैं। और ये आपको ख़रीदना हो तो ये ख़रीद भी सकते हैं। और ये पॉट्स के अंदर देखिए, ये चाय की पत्ती है, क्वीन ऑफ क्वीन गॉडेस है, ये भी गॉडेस है, कोई चाय की या कुछ गॉडेस है। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे देखिए, चाय के छोटे छोटे प्याले रखे हुए हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैंने देखिए काफ़ी टाइम, 3400 का एक सेट है ये, एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव, 4680 का ये वाला, 4680 मीन्स 50,000 रुपये इंडिया के हो गए। अगर आपको इसमें चाय पीना है भाई, तो 50,000 रुपये इंडिया के देंगे तो इसमें चाय पी सकते हैं। ये स्पेशल जो है मटेरियल से बना हुआ है, और वो मटेरियल में चाय अगर आप पीते हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहती है। और ये चाइनीज़ लोग का काफ़ी पुराना मानना है। वहाँ पे एक अच्छी चीज़ देखा था मैंने, देखें, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे चाय की पत्ती का कुछ बना हुआ है, इधर यहाँ पे आइए बता दो, ये देखिए चाय की पत्ती रखी हुई है इसमें, यहाँ पे जो है, ये पुराने जमाने में स्टोर करते थे चाय को ऐसे। अच्छा, ये बारीक कपड़ा है, कपड़ा ही कपड़ा होता है, इसको कपड़े के अंदर बांध कर इसको ड्राई करके तो इसको स्टोर कर लेते, ये अभी कपड़ा इसके ऊपर नहीं है। अच्छा, तो ये ज़्यादा अरसे इसको आप सेव कर सकते हैं। तो ये कितने साल, 100 साल 200 साल, मतलब ये 10-20 साल तो नो प्रॉब्लम है, नहीं 100 साल की अगर चाय पुरानी तो पी सकते, मेरे ख्याल में शायद इसका और भी वर्थ होगी ना। और ये देखिए, सिंस 1820 से है युआंगचाओ चाइनीज टी कोर्टयार्ड क्वानलांगसू बोल के ये जगह है। अभी हम हैं क्वानलांगसू शामन के एक आइलैंड पे, तो वहाँ पे ये चाय हुई बनती थी। यहाँ की बहुत पुरानी हिस्ट्रीज है, 18th मोर देन आई थिंक 200 साल पुरानी हिस्ट्री है। ये भी चाइनीज़ गॉड है, ये भी स्पेशल मिट्टी से बने हुए हैं। और ये इनका प्राइस है 6800, ऑलमोस्ट 70,000 इंडियन रुपीज़ का। बनती है एक स्पेशल सैंड होती है, उसको रिवर सैंड कहते हैं। अच्छा, ये स्पेशल सैंड है, उससे बनती है ये वाली ना। हाँ, बहुत ही इसकी वेट, लाइट वेट होता है और सॉलिड होती है ये। इसमें देखो, ये भी ये रिवर सैंड से बनता है, और इसके अंदर सूप वगैरह बनाते हैं, जो बादशाह या वो होते थे
तो इसके अंदर बनाते थे बहते, जैसे हम बोलते हैं मिट्टी की हांडी। इसकी कीमत देखिए 12,000 yuan मीन्स ऑलमोस्ट हो गए 1,33,000 रुपए का ये पॉट है। इसका बिलीव है पता नहीं क्या खास बात है, सेहत के लिए ये खास सैंड है। और ये मैं ऑलमोस्ट 50,000 का ये ढक्कन है और ये जो है टोटल 1,30,000 रुपये का, अगर फूट गया तो मेरा हो गया, 12 बज जाएंगे यहाँ पे, तो मैं इसको यहीं रख दिया हूँ मैं। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत क्वांलंग सू, वी आर लकी टू बी इन क्वांलंग सू। और मैं शरीफ भाई के साथ में हूँ तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि इनकी आदत क्या है कि ये थकते नहीं है चलते हुए। तो एक्चुअली ऐसे लोग के साथ अगर आप सफ़र करते हैं तो आपका सफ़र बहुत ही अच्छा गुजर जाता है और मज़ा आता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अभी ये था क्वांलंग सू का डिटेल चाय की पत्ती के बारे में, और भी हम आगे जाएंगे। ये आइलैंड काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है, आप देखिए मज़े कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आए हैं, देखिए हेलो हेलो हाउ आर यू, वो मन से हिंदू दा खाई खाई ओके खाई, बच्चे फोटो लेना चाह रहे हैं ओके ओके। बच्चे थे जो हमसे फोटो खींचना जा रहे थे और कुछ वीडियोस बनाए हैं इन्होंने। वी आर आल्सो लकी टू बी विद देम, हमें भी अच्छा लगा। तो साहब हम अभी पहुंच गए हैं एक ये छोटे से शहर के चौराहा पे, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, देखिए ये आई थिंक ये पोस्ट ऑफिस है, ये क्या है, ये फान यान लू, ये पोस्ट ऑफिस है या कुछ है, आई डोंट नो ये वाला। और यहाँ पे ग्राउंड है खेलने के लिए, गेम्स के लिए, और अच्छा सा है। पीछे ये छोटा सा ग्राउंड है, तो ये पहले ब्रिटिश के ज़माने में यहाँ पे गेम्स खेलते थे, क्रिकेट फुटबॉल वो है, तो ये बहुत ही पुराना प्ले ग्राउंड है, उसको अभी भी मेंटेन करके इन्होंने रखा है। तो इसका नाम है देखिए फॉरेन फुटबॉल पिच। तो जैसा मैंने बताया आपको, ये क्वांलंग सू में फॉरेन फुटबॉल पिच है ये, और ये 1870 का बना हुआ है, वेरी वेरी ओल्ड। आपको मैं इसके ये देखिए वीडियो और इसके मैं फोटोज आपको डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। और ये पुलिस स्टेशन है यहाँ पे क्वांलंग सू में, आइलैंड का पुलिस स्टेशन, अंदर कोई भी नहीं है, सब छुट्टी पे हैं, पुलिस वाले बाहर फिर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चोरी चकारी होती नहीं है, और आदमी भाग के जाएगा तो जाएगा भी कहाँ, उसको तैर के जाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप, आपका इंटेंशन है तो चोरी उरी मत कीजिए, आप कहीं भाग नहीं सकते, यू आर ऑन आइलैंड। और ये देखिए छोटे मोटे शॉप्स भी बने हुए हैं इनके घरों में, खाने पीने के, ये है किशमिश उशमिश, यहाँ के चीने खा के हमेशा फिट रहते हैं। और ये VIP पैसेज फुटबॉल में देखने करने के लिए, देखने के लिए ये वाला, इसका नाम है क्वांग फैमिली विला है, ये है फैमिली विला कॉम्प्लेक्स, हिस्ट्री है 1909 हॉन्ग केम बैक फ्रॉम इंडोनेशिया, तो इसकी हिस्ट्री उतनी मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा ये जो है।